तो दोस्तों यहाँ पे हमें खबर मिली है कि इंडियन रेलवे ने निकाली अपने एकदम नई नवेली रक्षित टूरिस्ट ट्रेन। तो आइए जानते हैं इस ट्रेन के बारे में आगे इस वीडियो में, और ये भी जानते हैं कि ये ट्रेन हिस्टोरिक क्यों है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये ट्रेन है इंडियन रेलवे की बुद्धिस्ट सर्किट लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन। बुद्धिस्ट सर्किट लग्जरी की ट्रेन एक पहले भी चलती थी इंडिया में, उसका नाम था महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस। वो ICF राजधानी की कोचेस में चलती थी। ये एक नई ट्रेन निकाली इन्होंने, और पहले हम बताते कि हिस्टोरिक क्यों है। ये ट्रेन हिस्टोरिक इसलिए है क्योंकि आज तक इंडिया की जितनी भी लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन निकली है वो सारी की सारी ICF बोगीज में निकले। इंडियन रेलवे में दो टाइप की बोगीज होती है, एक ICF होती है और एक LHB होती है, ठीक है। तो ICF बोगीज में अब तक की सारी लग्जरी ट्रेन निकली है। ये इंडिया की पहली लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन है जो LHB बोगीज का यूज़ कर रही है, और इसका कारण ये है क्योंकि जहाँ पे ICF और LHB बोगीज बनती है इंडिगो कोच फैक्ट्री में, वहाँ पे बनना बंद हो गई है। और दूसरी बात, ये जो कोचेज है ये ICF फैक्ट्री में नहीं बने हैं, ये बने हैं RCF कपूरथला। तो RCF कपूरथला में बन के ट्रेन रेडी हो चुकी है, वहाँ के हमें इमेजेस आ चुकी है, और ये इंडिया की पहली ऐसी लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन है जो LHB कोचेस का यूज़ कर रही है। तो ये इस ट्रेन को हिस्टोरिक बनाती है। इससे पहले जितने भी ट्रेन आप देख लो, जो पैलेस ऑन वीज है, महाराजा एक्सप्रेस है, डेक्कन ओडिसी है, वो सारे ICF कोचेस में ऑपरेट हो रही है। ये इंडिया की पहली ऐसी लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन है जो LHB कोचेस में ऑपरेट होगी। तो आइए अब जानते हैं इस ट्रेन की खूबियों के बारे में। दोस्तों ये जो ट्रेन है ये है बुद्धिस्ट सर्किट स्पेशल ट्रेन। ये ट्रेन के नाम से आप समझ सकते हैं कि ये ट्रेन जो है इंडिया के बुद्धिस्ट फ्रेंडली प्लेसेस को कवर करेंगी, जैसे लुम्बिनी हुआ, ऑल दोज बुद्धिस्ट प्लेस कवर करेगी। ये ट्रेन ICF कपूरथला में बनी है, और ये ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस के लाइन में बनी है। मतलब इस ट्रेन में आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी मिलेगी जो कि महाराजा एक्सप्रेस द वर्ल्ड्स लीडिंग लग्जरी ट्रेन को मैच करते हैं। काफ़ी सारे ऐसी खूबियाँ ट्रेन की जो उस ट्रेन को मैच करते हैं। अब इस ट्रेन के एक्सटीरियर्स पे जाते हैं। इस ट्रेन के एक्सटीरियर्स में आपको इंडिया के रिच कल्चर की एक झलक दिखेगी। काफ़ी सारे अलग अलग मॉन्यूमेंट्स हैं जो इंडिया के कल्चर को डिपिक्ट करते हैं, वो इसके एक्सटीरियर में बनाए गए। इसका एक्सटीरियर कलर ऑरेंज रखा गया क्योंकि ऑरेंज कलर ऑब्वियसली बुद्धिस्ट कलर माना जाता है, और इसके एक्सटीरियर्स में आपको ये एक झलक मिलेगी। अब आते हैं इसके पैसेंजर फ्रेंडली एम्यूनिटीज़ पे। तो पैसेंजर फ्रेंडली एम्यूनिटीज़ की बात करें तो दोस्तों इसके जो हमें अंदर की फुटेज मिली है उसमें आपको एक अलग एक दिखेगा, आपको एक फीचर उस फीचर में है कि आपको डिजिटल लॉकर्स मिलते हैं ट्रेन में। मतलब एवरी पैसेंजर कैन हैव इट्स हिज ओन डिजिटल लॉकर इन दिस ट्रेन। मतलब आप अपनी ज़रूरी चीज़ें एक लॉकर में रख सकते हो, उस लॉकर की फीसिबिलिटी मिलती है आपको। तो ये एक एकदम अलग फीचर मिला है हमें ट्रेन के बारे में। और अब आते हैं इसके दूसरे फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों ये एक कम्प्लीटली एसी ट्रेन है, और इस एसी ट्रेन के सेकंड एसी कोचेज में आपको सोफ़ा सेट मिल सकता है। इस ट्रेन में आपको शॉवर रूम मिलेंगे, काफ़ी एडवांस जो है इसकी कोचिंग की गई है। उसमें आपको शॉवर रूम्स की फैसिलिटी मिलती है, सोफे की फैसिलिटी मिलती है, सीट कवर्स में कुशन काफ़ी सॉफ्ट है, आप फोटोज देख के समझ ही सकते हैं। और क्योंकि एक लग्जरी ट्रेन है इसलिए यह होना स्वाभाविक भी था। साथ ही साथ दोस्तों आपको इसमें मिल सकता है CCTV कैमराज का फीचर मिलेगा आपको, आपको पैसेंजर अम्यूनिटीज़ और पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम मिलेगा आपको, आपको फायर अलार्म स्मोक सिस्टम मिलेगा आपको। तो काफ़ी सारे एडवांस टेक्नोलॉजी लेस है इसके कोचेस। अब आते हैं इसके डाइनिंग कार। इसकी डाइनिंग कार काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें आपको टीक वुड फिनिश मिलेगा, टीक वुड के जो फर्नीचर है वो मिलेंगे, और ग्लास टॉप डिवाइस के साथ इसको काफ़ी नीटली तरीके से बनाया गया है, काफ़ी अट्रैक्टिव लुक है इसका। और डाइनिंग कार में आपको ये चाहिए भी होता है रात की क्या खाने का मज़ा भी, लग्जरी टूरिस्ट ने तो लग्जरी का खास ध्यान भी रखा गया है इस डाइनिंग के डाइनिंग कार में। अब आते हैं इसके किचन कार में। इसका किचन भी एकदम एडवांस्ड है, और एडवांस किचन का मतलब मेरा ये है कि इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे ऑटोमेटिक फूड वेंडिंग मशीन है इसमें, इसमें आपको मिलेगा डीप फैट फ्रायर्स मिल सकता है आपको, इसमें आपको डो मेकिंग मशीन मिलती है, इसमें आपको माइक्रोवेव ओवन मिलता है, इसमें आपको वाइन चिलर मिलता है, इसमें आपको एग्जॉस्ट मिलते हैं, इसमें आपको चिमनीज मिलती है, इसमें आपको काफ़ी सारे एडवांस टेक्नोलॉजीज मिलेंगे, और वाइन चिलर जैसी जो टेक्नोलॉजी है मतलब डीप रेफ्रिजरेटर्स मिलेंगे आपको। तो इसका किचन भी काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न टाइप का। तो दोस्तों ओवरऑल ट्रेन का लुकअप तो बहुत अच्छा है, और क्योंकि बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन है तो ये आपको लुम्बिनी, कुशीनगर, बोधगया, सरना जैसे प्लेसेस पे ज़्यादा दिख सकती है। और क्योंकि ये पहली इंडियन LHB टूरिस्ट ट्रेन है तो काफ़ी सारी उम्मीदें भी है कि ये काफ़ी अच्छा कर, और इसको देख देख के आगे और इसको ऐसे लग्जरी ट्रेन बनाने की होप भी की जा रही है।
और तो इस हिसाब से एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेन बन के आई है ये सामने, और हम उम्मीद करेंगे कि ये अपने काम में ज़्यादा सफल रहे। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड करेंगे इस ट्रेन की कुछ अच्छी पिक्चर्स के साथ, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, मेरे चैनल पहली बार अगर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।